गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि हमारे विद्यालय के जो हॉस्टल हैं उसमें मिल्क जो वितरण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। देखिए बच्चे सभी लाइन में खड़े हैं और ये लंबा लाइन है पीछे तक। ये सभी बच्चे मिल्क पीने की तैयारी में हैं। मिल्क के लिए लाइन लगाया गया है। जो बच्चे का मिल्क चालू है वो बच्चे मिल्क पीने के लिए अपने अपने कतार में खड़े हैं। और इधर देखिए अटेंडेंस लेने के लिए हमारे प्रशांत बाबू, जो कि टाइम के हिसाब से, अवधि के हिसाब से सबसे सीनियर हैं, यानी सबसे पहले इन्होंने विद्यालय में एंट्री मारा था, इनको ड्यूटी दिया गया है अटेंडेंस लेने के लिए। तो इधर देखिए अटेंडेंस चालू करेंगे, इसके बाद इधर बच्चे नंबर लाइन में। देखिए आप देख सकते हैं, और मैं बस आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे जो हॉस्टल है। अच्छा, इस तरह से जाना रहता है? नहीं। और बाकी बच्चे जो उधर से आएंगे दूध लेकर आएंगे, तो उनके लिए उनके घर से हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा का जो आया है वो इधर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। हो सकता है आपके भी कुछ इसमें बच्चे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये और पीछे चले जाओ, और पीछे जाओ उधर। इधर गार्ड साहब सभी बच्चों को दूध दे रहे हैं, सभी में समान मात्रा में दूध डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर सभी बच्चे अपने अपने लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का इधर हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा रखा हुआ है, जो अपने दूध लेने के बाद आकर उसमें अपना बॉर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स जो भी है उनका वो मिक्सअप करेंगी, देन आफ्टर उसको ड्रिंक करेंगी। फिर से आप लोग को हम दिखाते हैं इधर, और कुछ बच्चे का नहीं भी है। ट्वेंटी एट 29 कौन है? बोलते जाओगे। इस 30 में कौन है? चलो बढ़ो। 31, 32, 33, 34 देखिए देखिए दो भाई, जो दो भाई है वो ये कहीं जगह रुक कर अपना हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा को मिक्सअप करता है। ये भी दो भाई है ना? तुम्हारे भाई कहाँ गया? ये देखिए। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हॉर्लिक्स अच्छा लगता है कि बॉर्नविटा अच्छा लगता है? बॉर्नविटा। हमको नहीं अच्छा लगता बॉर्नविटा, हमको तो हॉर्लिक्स अच्छा लगता है। सही बता रहे हैं? वो बॉर्नविटा थोड़ा ना जला टाइप लगता है, नहीं लगता है ना? हम मंगवाए भी थे एक बार बॉर्नविटा, ना बॉर्नविटा नहीं मंगवाए थे, हमको पसंद नहीं आता था, और उसमें फ्लेवर भी लगता है कुछ अलग अलग रहता है। उसमें कौन सा फ्लेवर फ्लेवर आता है ना, एक आता है शायद उसमें चॉकलेटी फ्लेवर आता है, और कौन सा फ्लेवर आता है? फिर एक नॉर्मल आता है। बैठ के बैठ के बैठ के पियो, बैठ के पियो, जल्दी भागना नहीं है कहीं पीकर। आप देख सकते हैं आप इस वीडियो में। और देखिए सही बच्चे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जिनके पेरेंट्स के द्वारा बोला गया है कि सर दूध चालू कर दीजिएगा, उनका दूध चालू है। और वो सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर बिल्कुल शांतिपूर्वक डेली दूध पीते हैं। और बस मैं आप लोग को बस इसलिए ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ये पता हो कि विद्यालय में किस प्रकार का व्यवस्था है। हालांकि कुछ हो सकते हैं ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे दूध को ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं, और कुछ आप लोग में से कुछ ऐसे भी होंगे जो विद्यालय को सिर्फ जानते हैं, हॉस्टल में उनके बच्चे नहीं रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बस ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे हॉस्टल में किस प्रकार का व्यवस्था है, और बाकी जो बचे बच्चे हैं वो इस शहर में अपना स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से स्टडी कर रहे हैं जो बाकी बचे बच्चे हैं, और कुछ लोग ड्रिंक करने के बाद आकर बैठ भी गए हैं।
कुछ इधर भी बच्चे हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा हमारे हॉस्टल का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा है। इसके बाद देखिए बच्चे यहाँ से अपना बॉर्नविटा और जो हॉर्लिक्स है उसको अपने स्थान पर पहुँचाने के लिए वहाँ जाएंगे, वहाँ एक मॉनिटर खड़ा रहेगा और वो सभी बच्चे को अपना हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा रखने के लिए बताएंगे। जैसे कि लड़के बच्चे अपना ग्लास जो है, जो कि बेसिक जानकारी है बच्चे को, यदि अपना ग्लास में पानी पिए तो उनको धोना है। ये सभी बच्चे अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम और ये डेली का दिनचर्या इन लोग का है, तो ये सभी बच्चे अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम को करते हैं। क्या एकदम ये टकलोबम हो गया है? इसके घर में कोई पेरेंट्स के बोले कि सर डेथ कर गए थे तो उसका बाल मुंडन करवा दीजिएगा। मजा रहा है ना? चलिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यार बच्चे देखिए अब दूध पीने के बाद सही बच्चे तो अपने क्लासरूम में जाकर स्टडी के लिए बैठ जाएंगे। इधर कहीं कोई जगह है जहाँ पे बॉर्नविटा को रखा जाता है, इधर जगह है ना? तो मॉनिटर आज दिखाई नहीं दे रहा है इसको समेटने वाला, पीयूष रहता था ना? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग से उम्मीद होगा कि ठीक से रखेंगे। इसके लिए उन लोग वो भी यहाँ पर नहीं है जिनका यहाँ ड्यूटी लगा है, तो आप लोग ठीक से ही रखेंगे। किसी के एक दूसरे के ऊपर यदि रखेंगे भी तो ठीक से रखेंगे कि उसका गिरे ना। तो अभी की वीडियो में आपने देखा कि हमारे जो हॉस्टल के बच्चे हैं, जो दूध पीते हैं बच्चे, वो बच्चे किस प्रकार से दूध पी रहे थे और उन लोगों ने क्या किस प्रकार से अपना वातावरण बनाकर रखा हुआ है दूध पीने के लिए। किसी का हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा यहाँ छूटा हुआ है, अपना अपना हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा ले जाएगा। सब किसका है? हाँ, जिसका छूटा हुआ है पहुँचा दीजिए। आप लोगों ने देखा कि विद्यालय में बच्चे किस प्रकार से दूध पीते हैं, और यदि आपके बच्चे यहाँ रह रहे हैं और आपको भी आपके अपने बच्चे को दूध पिलाने की सोच रहे हो तो स्कूल के नंबर पे कॉल करिए और वहाँ आपसे बस ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर इसे भी दूध देना है, तो मैं बिल्कुल दूध चालू कर दूंगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बच्चे ने दूध पी लिया है और बच्चे ये सभी बच्चे अपने क्लासरूम में जाकर रखनी करेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते किसी अन्य वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, और अभी तक इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।